जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूँ। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूँ। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे धनु लग्न की कुंडली में बुध देवता की प्लेसमेंट अलग अलग भावों में हमें क्या रजस देती है। पर उससे पहले प्रिय दर्शकों, आपको याद दिलाता आ रहा हूँ रोज की तरह 27/11/2011 को हमारा कैंप लगने जा रहा है, जो कि हमारे ही घर 30L मॉडल टाउन में लगेगा, जहां आप जितनी मर्जी फ्री पत्नियां बनवा सकते हैं, जहां आपकी पूरी पत्रियों का विवेचन हमारा पूरा जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप करेगा, जो कि सुबह 11 बजे से लेकर 5 बजे तक आपकी सेवा में समर्पित रहेगा। और वहां आप अपनी पूरी कुंडली का डिटेल विवेचन करवा करके सारे उपाय उनसे लिखवा सकते हैं। किसी भी पंडित जी ने अगर आपको काल सर्प योग का कोई वहम डाला होगा, पितृ दोष का कोई वहम डाला होगा, या मंगलिक योग को मंगलिक दोष बना करके वहम डाला होगा, या ये कहा होगा कि हम तो नहीं मानते, हमें उनको मनवाना नहीं है, हमें तो सिर्फ शास्त्रों के मुताबिक सच खोजना है, तो कोई भी काल सर्प पितृ और मंगलिक का वहम होगा वो सारे आपके इस कैंप में निकाल करके आपकी दशा अंतरदशा के मुताबिक सही रेमेडियल मेजर्स आपको अवश्य ही बता दिए जाएंगे। और जो जातक सीखने के इच्छुक हों, उनके लिए फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है, अपना फॉर्म ले जाएं, जो भी हमारा स्ट्रेटजी है उसको फॉलो कर लें। सीखना चाहते हो तो उनको प्योरली निःशुल्क सेवा में पूरा ज्योतिष विद्या का ज्ञान दिया जाएगा, और खुद अपनी कुंडली को न सिर्फ विवेचन कर पाएं, दूसरों के लिए भी वो भला ज़रूर कर पाएंगे। तो दर्शकों, याद रखिएगा, आज हम बात कर रहे थे धनु लग्न की कुंडली में बुध देवता की। तो बुध देवता को बृहस्पति ने दो डिपार्टमेंट दिए, प्रोफेशन हाउस दिया यानी कामकाज का घर दिया, पार्टनरशिप डेली वेजेस, और साथ में ही रोजी रोजगार का घर देकर शादी का डिपार्टमेंट भी दिया। केंद्र में ही दोनों राशियां दे दी, यानी सप्तम भाव का मालिक बुध देवता को बनाया और दशम भाव का मालिक बुध देवता को बनाया। इस लग्न कुंडली में बुध देवता की प्लेसमेंट डिसाइड करती है कि वो कितना अच्छा या कितना बुरा हुआ। ये बात सदैव ध्यान रखिएगा, इस लग्न कुंडली में बुध देव कभी मारक नहीं होता। अगर कोई झोला छाप बोल दे कि इस लग्न कुंडली में बुध मारक है, तो कभी मत मानिएगा, समझ लीजिएगा कि अभी उसकी विद्या पढ़ने में बहुत बड़ी कहीं ना कहीं कमी है, उसके ज्ञान में पूर्णता नहीं आई अभी, वो इस कुंडली में बुध देव को मारक कह रहा है। तो प्रिय दर्शकों, अगर बुध देव लगन में ही पड़े हों, लगन में ही पड़े हुए बुध देवता इस लगन कुंडली में जब उसकी दशा अंतरदशा चलेगी तो बहुत अच्छा फल देंगे। लगन में पड़े हुए बुध देव को दिशा बल मिलता है, जातक बहुत बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा, समझ बूझ रखने वाला होगा, वाणी पे उसका पूर्णतः काबू माना जाएगा। यहाँ से दृष्टि डाली दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा करेगा बुध देवता, पार्टनरशिप के लिए अच्छा करेगा, और डेली वेजेस के लिए भी बुध देवता अच्छा ज़रूर करेगा। बस शर्त सिर्फ अपनी वही पुरानी वाली याद रखेगा कि उसमें डिग्री वाइज बलाबल होना अति आवश्यक है। दर्शकों, बुध देव अगर दूसरे भाव में पड़े हो, यानी धन कुटुंब वाणी के भाव में पड़े हो, धन का अभाव कभी नहीं आने वाला, परिवार सदैव उसका साथ देने वाला है, और वाणी बहुत मधुर होगी जातक की, जहां जरूरत पड़ेगी अपनी वाणी को इतनी अच्छी करके अपने कार्य सिद्ध जरूर कर लेगा। यहां से बुध देवता ने जो अष्टम भाव पर सातवीं दृष्टि डाली, अपने ऑब्स्टेकल्स अपनी बुद्धि से इम्प्रूव कर लेगा, अपने ऑब्स्टेकल्स को पूर्णतः रिमूव करके यहां अष्टम भाव से भी पॉजिटिव रिजल्ट निकाल देगा, और जातक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी करने वाला होगा। दर्शकों, अगर बुध देव तीसरे भाव में पड़े हों, तीसरे भाव में पड़े हुए बुध देवता छोटे भाई बहन का योग जरूर बना देंगे, कामकाज मेहनत से जुड़ा हुआ होगा, और छोटी मोटी यात्राएं करने के बाद भी अपने कामकाज में इम्प्रूवमेंट ज़रूर देंगे। यहाँ से बुध देवता ने जो नवम भाव पर दृष्टि डाली, तो पिता के लिए अच्छा हो गया, धर्म को मानने के लिए अच्छा हो गया, छोटी मोटी यात्राएं करके अपना काम निकालने के लिए भी बुध देव तीसरे भाव में अच्छे हो गए। दर्शकों, बुध देव अगर चतुर्थ भाव में पड़े हों, यहाँ बुध देव नीच के हो जाया करते हैं, यहाँ पड़े हुए बुध देवता अपनी दशा अंतरदशा में खुद को भी कष्ट देंगे, माता से कभी बनने वाली नहीं होगी,
कामकाज में भी प्रॉब्लम आएंगी, दाम्पत्य सुख पार्टनरशिप डेली वेजेस में भी प्रॉब्लम आएंगी, यहाँ तक के जातक को छाती संबंधी भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आने की पॉसिबिलिटी बुधदेव बना देते हैं। यहाँ से दृष्टि डालेंगे जितनी कामकाज पे, तो कामकाज के लिए सदैव नुकसानदेह होंगे बुध देवता, क्योंकि यहाँ वो नीच के होते हैं और नीच का ग्रह सदैव अशुभ माना जाता है, वो बलहीन नहीं माना जाता। नीचता मीन्स अशुभता, नॉट बलहीन, ये बात सदैव याद रखिएगा। दर्शकों, अगर बुध देव पंचम भाव में पड़े हों, बुद्धि बहुत जातक की शाप होगी, कामकाज बुद्धि से जुड़ा हुआ होगा, पत्नी की केयर करने वाला होगा, पार्टनरशिप के लिए अच्छा हो गया, डेली वेजेस के लिए अच्छा हो गया, मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प कर देगा, पुत्री का योग बना देगा, यहाँ पर अनसर्टेन गेन भी वो ज़रूर दे सकता है। यहाँ से जो सातवीं दृष्टि ग्यारहवें भाव पर डाली, बड़े भाई बहन संबंधी भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, उनसे रिलेशन मधुर बने रहेंगे, लाभ की कमी कभी नहीं आएगी, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स आकर के भी निकलने वाली अवश्य होंगी। दर्शकों, बुधदेव अगर छठे भाव में पड़े हुए, रोग ऋण शत्रु दुर्घटना मुकदमा के भाव में पड़े हुए, यहाँ पड़े हुए बुध देवता ना तो कभी दाम्पत्य सुख स्टेबल होने देंगे, ना ही कभी कामकाज की ऑब्स्टेकल जातक की खत्म होने देंगे। यहाँ पड़े हुए बुध देवता रोग ऋण शत्रु कर्जा दुर्घटना मुकदमा बढ़ा देंगे अपनी दशा अंतरदशा में, और यहाँ से जितनी दृष्टि डाली फजूल के व्यय भी बुध देव सदैव करवाते ही रहेंगे। जातक विदेश सेटल भी हो सकता है, जातक की जेल यात्रा तक हो सकती है, लड़ाई झगड़े में जाकर के वो दिक्कत परेशानियाँ बढ़ा देता है, कम नहीं करते बुध देवता। दर्शकों, अगर बुध देव सप्तम भाव में पड़े हों, यानी अपनी ही साधारण राशि में पड़े हों, पत्नी बहुत समझदार मिलेगी, यहाँ पर बुध देवता कामकाज का नया रास्ता ज़रूर खोलेंगे, यहाँ पर पार्टनर से लाभ मिलकर पार्टनरशिप से बनने वाली होगी, पार्टनरशिप की केयर करने वाला होगा जातक। यहाँ से जितनी दृष्टि डाली लगन पर, तो पर्सनैलिटी में भी एक सूझवान पर्सनैलिटी निकल के जातक के लिए अच्छे एडवांटेज देंगे बुध देवता। दर्शकों, अगर बुध देव आठवें भाव में पड़े हों, यानी अष्टम भाव में, चंद्रमा के भाव में और कुंडली के सबसे वर्स्ट भाव में, कभी दाम्पत्य सुख स्टेबल नहीं होने देंगे, कभी कामकाज सही तरीके से बनने नहीं देंगे, कामकाज में नई नई ऑब्स्टेकल्स खड़ी ही करते रहेंगे, जातक की ऑब्स्टेकल नॉर्मल से सदैव ज़्यादा ही रहेंगी अपनी दशा अंतरदशा में। यहाँ से बुधदेव जो दृष्टि डालेंगे दूसरे भाव पर, तो धन कुटुंब संबंधी भी प्रॉब्लम्स ही रहेंगे, परिवार कभी साथ नहीं देने वाला, धन का अभाव सदा रहने वाला है, वाणी में भी दिक्कत परेशानियाँ ही देंगे, वाणी में कंट्रोल नहीं रहने वाला जातक का। दर्शकों, बुधदेव अगर नवम भाव में पड़े हों, यानी सूरज की राशि में, अपने अति मित्र की राशि में आ गए, तो सूरज की राशि में पड़े हुए बुध देवता अगर डिग्री वाइज बलाबल में हुए, तो जातक धर्म को बहुत ज़्यादा मानने वाला होगा, पिता की केयर करने वाला होगा और विदेश यात्रा भी करने वाला होगा, ऐसे जातक को सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि उसने अपना कामकाज उठा के पिता के सर पे रख दिया, तो उसको सजेस्ट किया जाता है कि कामकाज अगर पिता के साथ जुड़कर करेगा तो सदैव उसके लिए अच्छा होगा। बस शर्त पुरानी वाली याद रखेगा कि बुध देवता में डिग्री वाइज बलाबल होना अति आवश्यक है। यहाँ से बुध देवता ने तीसरे भाव पर दृष्टि डाली, छोटे भाई बहन के लिए भी दिक्कत परेशानियाँ छोटी मोटी खड़े करके फजूल यात्राएं करवाएंगे और मेहनत का भी फल ज़रूर देते ही रहेंगे, लेकिन छोटे भाई बहनों से बहुत ज़्यादा नहीं बनने देंगे बुध देवता। दर्शकों, अगर बुध देव दशम भाव में पड़े हों, यानी अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में, यहाँ वो भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बना देते हैं, जो सप्तम भाव में भी बनाया था, भद्र नाम का पंच महापुरुष योग जो सदैव अच्छा फल देता है, कामकाज के नए रास्ते खोल देता है अपनी दशा अंतरदशा में, जातक सूझवान होता है, जातक बहुत मेहनती होता है, यहाँ से दृष्टि डालता है, माता से बड़ी अटैचमेंट होती है उस जातक को, यहाँ पर जितनी दृष्टि बुध देवता की पड़ती है, गाड़ी भूमि मकान वाहन संबंधी जातक को सदैव एडवांटेज मिलते हैं, और बुध की दशा अंतरदशा में अगर वो बुध डिग्री वाइज बली हुआ तो सारी सुख सुविधाओं से जातक को संपन्न जरूर कर देता है, उसे कामकाज की कभी कमी नहीं आती जातक को। दर्शकों, अगर बुध देव एकादश भाव में पड़े हों, यानी शुक्र देवता की मूल त्रिकोण राशि में पड़े हों, तो जातक ने कर्म उठा के लाभ में रख लिया, जितना कर्म करेगा उतना लाभ कहीं ना कहीं से अर्जित जरूर कर लेगा, बड़े भाई बहनों की पूर्ण सपोर्ट मिलेगी, यहाँ पर जातक को धन की कमी जल्दी नहीं आने वाली, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम आएंगी तो वो जाने के लिए भी बाध्य होंगी,
यहाँ से बुद्धदेव ने पंचम भाव पर दृष्टि डाली, मेमोरी के लिए बहुत अच्छा हो गया, लेकिन पुत्री का योग जरूर बना देंगे, स्टमक रिगार्डिंग प्रॉब्लम जल्दी नहीं आएगी, लव रोमांस में भी कामयाबी दे करके बुद्धदेव एडवांटेज जरूर देंगे, धन का अभाव जल्दी कभी नहीं होने देंगे। दर्शकों, बुद्धदेव अगर 12वें भाव में पड़े हो, यानी मंगल देव की साधारण राशि में पड़े हो, व्यय के भाव में, यहां पड़े हुए बुद्ध देवता अपनी दशा अंतरदशा में सदैव जातक की ऑब्स्टेकल्स खड़ी ही रखेंगे, जातक का कामकाज कभी जल्दी सेटल नहीं होने देंगे, मैरिज जल्दी होने नहीं देंगे, हो गई तो उसमें भी प्रॉब्लम्स सदैव देते रहेंगे, क्योंकि यहां पड़े हुए बुद्ध देवता अति मारक गिने जाते हैं। व्यय काबू में नहीं आने वाला, पत्नी से नहीं बनने वाली, विदेश यात्रा भी कर सकता है, विदेश सेटलमेंट भी कर सकता है, अगर जॉब अपनी विदेश में जाकर करे तो यहाँ से ज़्यादा कामयाबी मिलती है, क्योंकि ये विदेश सेटलमेंट का घर है। यहाँ से दृष्टि डाली रोग ऋण शत्रु कर्जा दुर्घटना मुकदमा पर, वहाँ के रिगार्डिंग भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट दे करके जातक की मेंटल पीस सदैव डिस्टर्ब रखेंगे और जातक की भागदौड़ नॉर्मल से सदैव ज़्यादा होगी। यहाँ दृष्टि जितनी बुद्ध देवता की पड़ी वो प्योरली नेगेटिव कंसिडर करके जातक का जीवन यापन मुश्किलों से भर देंगे। दर्शकों, ये बात याद रखिएगा, इस लग्न कुंडली में तीसरे, चौथे, छठे, आठवें और बारहवें में बुद्ध देवता का पन्ना सिर्फ तब पहन सकते हैं जब वो अस्त की अवस्था में हुआ। अगर इन पांच भावों में, तीसरे, चौथे, छठे, आठवें, बारहवें में अगर वो अस्त नहीं हुआ और वो उदय हुआ तो इसका पन्ना कभी मत धारण कीजिएगा। बाकी जगह पर इसका पन्ना सदैव धारण किया जा सकता है, जो कि आपके दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा हो गया, पार्टनरशिप के लिए अच्छा हो गया, आपके डेली वेजेस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, काम काज में भी अच्छे रिजल्ट देने में बुद्ध देवता बाध्य हो जाता है। और बात याद रखिएगा प्रिय दर्शकों, बुद्ध देवता का रत्न सदैव चांदी में डाला जाता है और वो लिटिल फिंगर यानी चीची उंगली में डाला जाता है। बुद्ध देवता का रत्न बहुत सारे पोंगा पंडित स्वर्ण में डालकर रिंग फिंगर में डाला जाता है, रिंग फिंगर में ये नहीं डाला जाता, बहुत सारे लोग डलवा देते हैं जो कि शास्त्रों के विरुद्ध है और उस जातक को कोई रिजल्ट नहीं मिल पाता। ढेर सारे पैसे खर्चने के बाद भी जातक वहीं का वहीं घूमता रहता है, इसके लिए इसे चांदी में डलवाइए, लिटिल फिंगर में डलवाइए, ताकि इसका सही लाभ आप ले पाएं। इस लग्न कुंडली में बुध को मारक नहीं माना जाता, क्योंकि उसके पास दोनों बहुत अच्छे डिपार्टमेंट हैं। यहाँ तीसरे भाव में, चतुर्थ, छठे, आठवें और बारहवें में इसे केंद्र अधिपति दोष भी ज़रूर लगता है, जिसकी वजह से इसे नहीं पहना जाना चाहिए। इसके साथ ही आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ आपके लिए टिप ऑफ द डे देता हूं। प्रिय दर्शकों, नोट कर लीजिए, जिसकी भी साढ़े साथी चल रही हो या जिसकी भी कुंडली में शनि राहु केतु का बहुत ज़्यादा खराब प्रभाव चल रहा हो, आपको अक्सर देखने में मिलेगा कि जब साढ़े साथियाँ चलती हैं तो प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ जाती हैं, शनि राहु केतु की दशा आती है तो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ऐसे जातक को सदैव शनिवार को और अमावस्या वाले दिन काले कपड़ों से सदैव दूर रहना चाहिए, ताकि शनि देव की एनर्जी उनकी बॉडी की आभा में ना आ पाए और उससे वो दूर रहें। जितना वो दूर रहेंगे उन चीज़ों का छोटा मोटा दान पुण्य करके उन्हें प्रणाम कर लेंगे तो वो जीवन यापन अच्छा करने में शनिदेव बाध्य होगा। शनिदेव की किरणें जितनी आपके शरीर से दूर रहेंगी उतना अच्छा होगा, उतनी समझ लीजिएगा कि मुश्किलें आपके शरीर से दूर हो गई। अगर ये कलर आप पहन लेते हो तो इसका मतलब मुश्किलें आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब कर गई, आपकी ऑरा जो होती है बॉडी की वो दिक्कत परेशानियों में आनी शुरू हो जाती है, वो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ा देती है आपकी। तो प्रिय दर्शकों, आज हम सब के लिए मंगल कामना करता हूँ शनिदेव से, ये प्रार्थना करता हूँ, हे शनिदेव अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि हम सब पर सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप की तरफ से हर साल की तरह फ्री ज्योतिष कैंप 27/11/2011 को सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक 30L मॉडल टाउन लुधियाना में लगाया जा रहा है, जहां पर आपकी सभी समस्याओं का समाधान माहिर जोशियों द्वारा किया जाए। We'll be right back.